आज हम बनाएंगे परफेक्ट साउथ इंडियन नीर डोसा रेसिपी विद चटनी, ठीक है। है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन नीर डोसा। एकदम जालीदार, सफ़ेद, नरम नरम, 2-3 साल के बच्चे भी इसे खा सकते हैं आराम से। जिसके दांत नहीं है ना, वो भी ये नीर डोसा खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पुराना मसूर चावल लिया है, ठीक है। आप पुराना चावल लेते हो तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, और नया चावल लोगे तो थोड़ा कम पानी डालना पड़ेगा। इस हिसाब से आप देखकर डालना। तो मैं किस तरह से ली हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ। तो आधा आधा कप मैंने 1 कप बराबर लिया है, 1 कप का मेजरमेंट नहीं मिल रहा था इसलिए। तो 1 कप चावल ले लिया है, इसे भिगो कर रख दी थी पूरा ओवरनाइट, और फिर सुबह इसे पूरा सब चावल को ऐसे छान कर मिक्सी के जार में डाल दूँगी। और उसमें जो 2-3 मिर्ची भी दिखाई थी वो ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगेगा तो हरी मिर्ची डालना, बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चे खाएंगे तो नहीं डालना, ठीक है, अगर छोटे बच्चे खाएंगे तो। तो इस तरह 2 हरी मिर्च भी डाल दी हूँ, 1/2 कप ग्रेटेड नारियल भी डाल दी थी और डाल दी हूँ, और ये फ्रिज में जमाई थी इसलिए थोड़ा जम गया था, फ्रेश भी डाल सकते हो। तो इस तरह 2-3 चम्मच ऐसे पानी डालकर मैं इसे फाइन पेस्ट कर ली हूँ। अगर तुरंत आप पूरा पानी डालकर पीस लोगे तो फाइन नहीं होगा, इसलिए 2-3 चम्मच पानी डालकर पूरा फाइन पेस्ट करके सारा निकाल ली हूँ। फिर 1 कप पानी डालकर जार में पूरा वो भी पानी डाल दी हूँ, फिर और 1 कप डाली हूँ, और देख रही हूँ इतना गाढ़ा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो इतना थिक में तो नहीं होगा, और 1 कप, ठीक है। तो टोटल में यहाँ पर 1 कप चावल के लिए मैंने 3 कप पानी लिया है, ठीक है, और 2-3 चम्मच मैं बचा ली हूँ क्योंकि ये बाउल थोड़ा छोटा है, मैं बाद में ये भी डाल दूँगी। तो पूरा 3 कप लगता है पानी। अगर एकदम पुराना चावल होगा तो 3.5 कप भी लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 1 कप चावल के लिए 3 कप एकदम परफेक्ट है। और स्वादानुसार मैंने देखिए नमक भी डाल दिया है, पूरा मिक्स कर ली हूँ घोल को। अब पैन गैस पर बैठा दी हूँ, और उसमें 1 टीस्पून तेल डालकर ऑनियन के जो आते हैं ना ऑनियन, ऐसे फॉर्क से मैं अटैच करके उसमें पूरा ग्रीस कर ली हूँ। आप ऐसे ही ऑयल से ग्रीस कर लेना पूरा पैन को, तो चिपकेगा नहीं ज़्यादा। तो इस तरह ये पूरा हाई फ्लेम होना चाहिए, फिर स्लो कर देना। अगर फिर पैन गर्म हो जाएगा तो फिर स्लो कर देना, फिर 1-1 कड़छी बैटर उसमें डालते जाना। जब भी बैटर आप डालोगे ना तो एक बार फिर से चला लेना, जब भी कभी भी डोसा करते वक्त, नहीं तो नीचे जम जाता है ना। तो इस तरह देखिए दूध के तरह पूरा दिख रहा है ना, आपका भी इसी तरह होना चाहिए। तो बहुत सॉफ्ट और बहुत मस्त बनेगा, चिपकेगा नहीं कुछ नहीं। गरम गरम इसे पलटना नहीं, जो प्लेट में निकाल कर रखते हो तो चिपक जाएगा ऐसा। तो अभी पूरा इसे हाई फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में ऐसे करके मैं पूरा कर रही हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ, और 2 चम्मच जो पानी था ये भी मैं डाल दी हूँ, ठीक है। पूरा टोटल मेरा 3 कप पानी लगा है 1 कप चावल के लिए। मेजरिंग कप मेरा नहीं था ना, तो मैं 2 बार चावल ली हूँ। आपको लगेगा 2 कप नहीं, वो 1/2 कप था, तो मैं 2 बार डाली हूँ चावल, तो पूरा 1 कप है। तो इस तरह देखिए 1 मैं निकाल ली हूँ। अब आपका नहीं होगा तो अंदाजा मालूम नहीं पड़ेगा, तो 2 कप पानी डालकर पहले 1 डोसा बना कर देखना, नीर डोसा। अगर पूरा फटेगा तो और पानी 1 कप लगेगा, ऐसे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी अगर एकदम 3 कप पानी नहीं डाल सकते हो तो इस तरह भी आप कर सकते हो, बाद में भी पानी डाल सकते हो, एक बनाकर देखना। तो देखिए मेरे यहाँ पर 2-3 मैं ऐसे बना चुकी हूँ, ऊपर इसे ऑयल भी लगाकर आप पलट सकते हो, और पूरा जैसे एक तरह पूरा हार्ड हो जाएगा। 2-3 मिनट हो जाने के बाद नीचे से ऐसे अपने आप वो छाली की तरह ऐसे निकलता है ना, तो समझ जाने का पूरा परफेक्ट अभी हो गया है। तो इसको पलट देने का, हाथ से ही पलट सकते हो और स्पैचुला से भी पलट सकते हो। तो इस तरह अलट पलट करके मैंने 2-3 ऐसे 3 बना लिया है, सारा मैं निकाल ली हूँ। अब इसी पैन में एक चटनी बनाएंगे, तो देखिए कितनी टेस्टी चटनी भी बनाती हूँ। तो 1/2 टीस्पून ऑयल डाल दी हूँ, 2 लहसुन की कली डाली हूँ, और 2 हरी मिर्ची डाल दी हूँ, और फिर 1 देसी टमाटर को 4 पीस करके वो भी डाल दी हूँ, फिर 1/2 कप ग्रेटेड फ्रिज में जमा कर दी थी, मतलब जम गया था वो कोकोनट भी डाल दी हूँ, ग्रेटेड कोकोनट, 1/2 इंच अदरक भी डाली हूँ, ठीक है। और इस तरह जम गया था इसलिए इसको मैं तोड़ रही हूँ, गर्म हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा 2-3। फिर ये धनिया पत्ता भी कम था तो धनिया पत्ता भी आप मुट्ठी भर डाल सकते हो, धनिया पत्ता भी डाली हूँ। फिर अभी चना दाल डालना भूल गई थी, तो अभी 1 टेबल स्पून चना दाल भी डाल दी हूँ, इसे भी भून लूँगी, और इसे सॉफ्ट होने तक, टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट।
तो देखिए टमाटर भी अभी सॉफ्ट हो चुका है, बस फ्लेम बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने का वेट करेंगे। फिर ठंडा तो हो चुका है, जार में सारा मैं भर ली हूँ, निकाल ली हूँ और एक चम्मच दो चम्मच पानी डालकर इसे फाइन पेस्ट कर लूँगी, नहीं तो थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह मैं सारा अभी इसमें बाउल में निकाल ली हूँ, तड़का लगाऊंगी इसलिए इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। ठीक है, अब तड़का लगाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो फाइनल तड़का मैं लगाती हूँ। फिर आधा टीस्पून ऑयल डाल दी हूँ, अब ज़्यादा गर्म हो गया था, आप इतना गर्म नहीं करना, पूरा बंद कर देना अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो, मैं बंद नहीं की। फिर आधा टीस्पून राई डाल दी हूँ और फिर दो सूखी मिर्च डाल दी हूँ, लाल मिर्च और करी पत्ता। देखिए ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो करी पत्ता डाल दी, पूरा जल गया, फिर मैं बाद में डालूँगी। और उड़द दाल 1 टीस्पून या आधा टीस्पून उड़द दाल भी मैं डाली हूँ। फिर मैं करी पत्ता फिर से मैं डाली हूँ क्योंकि वो जल गया था ना थोड़ा, लेकिन ख़राब नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा और ये एकदम परफेक्ट मस्त इसका खुशबू आ रहा था ये दाल का और करी पत्ता का, बहुत अच्छा लगा। ये चटनी आप बना लेना, इस तरह बहुत अच्छा लगता है टमाटर डालकर आप बनाते हो तो इस तरह चटनी और ये नीर डोसा बनकर रेडी है, आप खाइए। अगर इसे और ज़्यादा कलर लाना चाहते हो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भुनते वक्त उसमें ऑयल में डाल देना तो लाल लाल चटनी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैं इस तरह कोकोनट का चटनी में बनाई हूँ, सब मिक्स चटनी है ये एक, और इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरह बना कर खाइए, ऊपर से तड़के में भी आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तड़का में डालकर इसे डाल दोगे तो लाल लाल हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में थोड़ा सा मैं डाली थी। देखिए पूरा रेडी है नीर डोसा, एकदम जालीदार, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम, और ये चटनी भी बनकर रेडी है। तो आप खाइए और आपका किस तरह से बना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल चिपकेगा नहीं, बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, बिना डरे आप ये आराम से बना सकते हो। बस एक कप चावल की तो बात है, चावल को रात भर भिगो कर रख देना, सुबह नाश्ता रेडी हो जाता है, ऐसे बना लेना। ठीक है, चटनी भी बहुत आसान है और ये परफेक्ट साउथ इंडियन नीर डोसा भी बहुत परफेक्ट बना है, आप भी इस तरह से बनाइए। बस अपना चावल कौन सा लेते हो वो बराबर देख लेना, नया चावल लेते हैं तो 2 कप पानी लगेगा और पुराना चावल है तो 3 कप, नहीं तो 3.5, इतना बराबर हो जाता है। ठीक है, ये परफेक्ट माप है, आप बिना डरे ये कर सकते हो और सब खुशी खुशी आराम से ये नाश्ता करते हो ना तो सब खुशी खुशी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाकर देखना, ये छोटे बच्चे भी आराम से खा लेंगे और ये टिफिन में भी भरकर दे सकते हो, ये नीर डोसा, खाली नीर डोसा ऐसे ही खा जाएंगे, देर तक बहुत ये सॉफ्ट रहता है। ठीक है, इस तरह आप बनाइए और खाइए, और अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये टिफ़िन में इस तरह बनाकर बच्चों को भी दे सकते हो, फॉइल पेपर में रैप करके अच्छे से दे देना तो वैसे ही फ्रेश रहेगा, कुछ चिपकेगा नहीं, कुछ नहीं, ठंडा हो जाने के बाद सब खिला खिला लगता है, गरम गरम निकाल दोगे तो चिपक जाता है, एक ध्यान रखना ये। ठीक है, एकदम नरम जालीदार सॉफ्ट बने हैं, आप भी इस तरह से बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए, बहुत ईजी है। सिर्फ चावल से तो बनता है, चटनी तो हर एक को आता है, हरी चटनी और ज़्यादा ये नारियल की चटनी नहीं होगा तो 1-2 चम्मच भी डाल देना, नहीं तो धनिया पत्ता का धनिया की चटनी बना देना। ठीक है, बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप ऐसे ही खा जाओगे, ये इतनी टेस्टी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ, तो चलिए इस तरह का नाश्ता आप बनाइए एक एक और खाइए, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी है। ओके फ्रेंड्स, बाय।